भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के 4 मैच समाप्त हो चुके हैं, जहां पहले 3 मैच जीतकर भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर ली थी, तो चौथे वनडे मैच में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज का अंतिम वनडे मैच 3 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। पिछले मैच में मिली करारी हार के बाद तो भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव लग सकते हैं। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी पिछले 2 मैचों से लगातार पूरी तरह फिट ना होने के चलते बाहर हैं। हालांकि धोनी ने पिछले मैच से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें और आराम देने का फैसला किया था। लेकिन भारत की करारी हार के बाद ये लगभग तय हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी 5वें वनडे मैच में वापसी करेंगे। दूसरे खिलाड़ी खुद मोहम्मद शमी हैं, जिन्हें 3 में से 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच मिला था, और साथ ही वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। शमी पिछले काफ़ी समय से लगातार मैच खेल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पिछले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शमी की इस मैच में वापसी हो सकती है। मोहम्मद शमी के आने की स्थिति में टीम से खलील अहमद को एक बार फिर से बाहर होना पड़ सकता है। हालांकि कुलदीप यादव भी पिछले 2 मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं, लेकिन उनको एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। धोनी के आने पर टीम से कार्तिक का बाहर होना लगभग तय है, और इसके साथ ही धोनी के बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दिए अपने एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने कहा था कि वो धोनी को 4 नंबर पर खिलाना पसंद करेंगे। ऐसे में धोनी चौथे स्थान पर खेलते नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अपनी चौथे मैच में करारी हार का बदला 5वें वनडे मैच में ले पाएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।